मेरी धारणा है कि मनुष्य रोज आगे बढ़ता है या पीछे हटता है, कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। समस्त संसार गतिमान है, इसमें कोई अपवाद नहीं, कोई चीज इस नियम से परे नहीं है। इसलिए अगर मैं यह दावा करूं कि मैं जैसा कल था वैसा ही आज हूं या वैसा ही रहूंगा, तो यह दावा झूठा है। मुझे ऐसा मोह भी नहीं रखना चाहिए। जब कोई तुम्हें झूठा कहे या मुखालिफत करे तो गरम मत हो जाओ, शांति से अपनी बात कहना है तो कह दो, शायद मौन सबसे बेहतर है। किसी के झूठे बनाने से तुम झूठे नहीं बनते अगर तुम सच्चे हो। मैं मानसिक पक्ष को अधिक महत्व देता हूँ। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। विचार तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसे कर्म में अभिव्यक्ति न मिले, और कर्म विचारों को मर्यादित कर देता है। और जब इन दोनों के बीच पूर्ण संगति होती है तभी जीवन संपूर्ण और स्वाभाविक होता है। करोड़ों लोगों के पाप करने पर भी यदि दो लोग पूर्णतया पवित्र हों तो उनका प्रभाव अवश्य होगा। हाँ, एक बात है कि इन दो व्यक्तियों की परीक्षा भी खूब होती है। यह तो वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति बाजार से थाली खरीदने जाता है तो उसे ऊपर से ही देखकर खरीद लेता है, लेकिन वही व्यक्ति यदि सोने की थाली खरीदने जाता है तो थाली को अच्छी तरह कस कर देखता है कि सोना खरा है अथवा नहीं। इसके बाद उस थाली को अपने जीवन की भांति यत्न से रखता है, हजारों जगहों पर उस थाली की जांच करवाता है। यही अंतर पवित्र और अपवित्र आत्मा में है, और ईश्वर पवित्र आत्मा की बहुत अधिक परीक्षा करता है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भगवान ऐसे व्यक्ति को प्राणों से भी अधिक मूल्यवान समझता है। करोड़ों लोग पाप करते हैं, यह सोचकर हमें भी पाप नहीं करने लगना चाहिए। हम पूर्ण रूपेण शुद्ध हों तो उसका असर अवश्य होगा।